उदाहरण तीन, इन प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। पहला, 5 की घात -2, हमें 5 का घात -2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि घातांक में जो हमारी घात है वह ऋणात्मक है। ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे 1/5 का घात 2। यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि घातांक में 1 m = 1/1 m होता है, बराबर 1/5 का घात 2 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, बराबर 1/5 × 25। तो हमें 1/25 प्राप्त हुआ। यह उदाहरण का हल होगा। दूसरा, 1/2 की घात -5, हमें 1/2 का घात -5 का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम यहाँ पे 2 का घात -5 ऋणात्मक है, इसे धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे 2 का घात 5, तो ये धनात्मक हो गया। यहाँ पे हमने घातांक का नियम लगाया है, चूंकि 1/1 m को हम लिखते हैं 1 m, बराबर 2 का घात 5 को कहीं हम इसे गुणा में लिखेंगे तो 2 को हमें 5 बार गुणा करना होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। यह उदाहरण का हल होगा। तीसरा, 4/7/4/4, हमें ज्ञात करना है 4/7/4/4 बराबर, यहाँ पे हम घात में भाग का नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम आधार 4 लिखेंगे और घात को घटाएंगे, 4 × 7 = 4। चूंकि हम घातांक में भाग के नियम को जानते हैं, 1/m/1/n = 1/m·n होता है, बराबर 4/7/4 = 3, बराबर 4/3 को हम 4 × 4 × 4 लिखेंगे, 4 × 4 = 16 × 4 और फिर 16 × 4 = 64। यह उदाहरण का हल होगा।